हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज वैष्णवी एंड आई रियली होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं अभी उठी हूँ एंड टुडे इज माई वीक ऑफ, सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट वॉट आई ईट इन अ डे ऑन माई वेट लॉस जर्नी. सो द डे हैज स्टार्टेड, फ्रेश हो गई हूँ मैं, बट आवाज थोड़ी नॉर्मल होने टाइम लगेगा. सो आई हैव माई जीरा सिनेमन वाटर राइट हियर. रात को ही मैंने उनको पानी में रख दिया था और सुबह थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू कंज्यूम ऑन एम्प्टी स्टमक. दिस हैज सो मेनी बेनिफिट्स. आई विल राइट डाउन एवरीथिंग राइट हियर सो यू कैन चेक दैट आउट. और जब से मैंने ये पीना स्टार्ट किया है ना, मेरा एसिडिटी जो था वो पूरा बंद हो गया है. बिल्कुल भी मुझे एसिडिटी नहीं होती. पहले मुझे काफी फ्रीक्वेंटली माइग्रेन और एसिडिटी होती थी, बट आफ्टर कंज्यूमिंग दिस एनी वार्म ड्रिंक इन द मॉर्निंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है. सो आई will quickly finish this up. This actually tastes like nothing. थोड़ा सा जीरा का फ्लेवर है बट टेस्ट इतना कुछ खराब नहीं इसका, आप पी सकते हो. पता नहीं, मैंने सुना है कि ऐसे ड्रिंक्स का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बट दिस इज रियली रियली गुड. ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि मैं कुछ पी रही हूँ. सो या, दैट्स द ग्रेट थिंग. आई एम डन विद दिस एंड अकॉर्डिंग टू माई डायट आफ्टर 30 or 45 minutes के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ. सो बीच में मैं थोड़े से काम कर लूंगी. सो या, ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलते हैं. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed. So this is breakfast time. I have my coffee right here. मैंने सब रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है. कुछ इतना हार्ड नहीं है गाइस, बहुत ईजी है. देर इज नो क्रैश डाइट. सब हेल्दी घर का बना हुआ खाना है जो आप भी बना सकते हो. अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हो. इट्स दैट ईजी. भी बहुत सारा पैसा भर के एक्सपेंसिव आइटम लेने की कोई जरूरत नहीं है. घर के खाने में भी आप डाइट कर सकते हो. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट राइट हियर. दिस इज 2 slices ऑफ ब्रेड एंड 1 egg ऑमलेट. मुझे मेरा डाइटिशियन ने फर्स्ट बॉइल्ड एग्स बोला था लेने के लिए, बट आई सेड सुबह सुबह ऐसा बेस्वाद खाना मैं नहीं खा सकती. एटलीस्ट सुबह तो कुछ तो अच्छा दो. सो देन शी स्विच्ड मी टू द ऑमलेट सिचुएशन. दिस इज गुड, फुलफिलिंग है काफी अच्छे से और टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा करता है. If you are a vegetarian, you can always opt for vegetable upma or pohe, or you can go for chia seed pudding as well. So these are the options. अगर उसका recipe चाहिए तो do let me know in the comment section down below. I will definitely share with you guys. I'm going to enjoy my coffee and my breakfast, और उसके बाद मैं gratitude journaling करूंगी. This is from Simba Lifestyle. This is Mridul's brand. So yeah, that's the plan. When I say morning coffee hits different, it hits different. I'm done with my breakfast and journaling भी हो गया है. आज शायद मैं थोड़ा content shoot करूँगी because week off है. सारे shorts और reels shoot करके रखूँगी. I'm very consistent on both of my social media platform these days. You really need to appreciate that. You haven't followed me on Instagram yet, so please go ahead and follow because I am posting every single day over there. And yeah, that's the thing. So that's the plan. Now I'm going to take a bath and I will see you at 11ish. Abhi kuch 9:30 hua hai, so 11 baje I have to have something, so I will show you that in a while. So I'm done with my shoot. Sab kuch shoot ho gaya hai aur thoda bahut edit bhi kar liya maine.
राइट नाउ इट्स 11:30, थोड़ा सा लेट हो गया एंड आई एम वेयरिंग द सेम टी शर्ट बिकॉज शूट करना था मुझे इसलिए. इट्स 11:30 राइट नाउ एंड आई एम हैविंग माई ऑरेंजेस. ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. फाइबर का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है ये. सो आई एम हैविंग दिस राइट नाउ. मुझे जूसेस कंज्यूम करना पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था दैट वॉज टेलिंग कि हाउ बैड इट इज टू ड्रिंक जूस. सो या आई एम गोइंग टू ईट दिस एंड कैच अप विद यू गाइज लेटर. टू चपातीज विथ नो ऑयल, पनीर भुर्जी और बहुत सारा सैलड. दिस इज माई बैलेंस्ड लंच. ये काफी ज्यादा हैवी होने वाला है मेरे लिए, मैंने सब कुछ नाप तोल के लिया है. आई एम गोइंग टू हैव दिस नाउ. दिस इज वेरी बैलेंस्ड, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है. सो कुछ क्रैश डाइट नहीं है, जो हम घर में खाना खाते हैं वही सब है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई मील. So I'm just done with the lunch and as an Indian, खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन हर किसी का होता है. मैंने ये डेट्स एंड चॉकलेट्स बाइट्स बनाए थे घर पे, बहुत पहले बना के रखे थे. सो आई एम गोइंग टू हैव दिस. इफ यू वॉन्ट द रेसिपी ऑफ दिस, मैं इसका न्यू बैच बनाने वाली हूँ तो उसकी शॉर्ट्स डाल दूंगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट द रेसिपी और नॉट. एंड या आई विल ईट दिस. ऐसे दो ही रखे हैं मैंने इसमें, वो खाने के बाद शायद देर विल बी अ इवनिंग स्नैक्स. सो या Stay tuned for that. It's 6:15 right now and I'm heading out. Shayad dinner bahar hi hoga, so I will take you guys along with me. As I mentioned before, मैं बाहर गई थी और हमारा plan बाहर खाना खाने का था, but वो successful नहीं हुआ तो I have to cook my own meal. Usually मैं 8 बजे से पहले खाना खा लेती हूँ but आज late हो गया है मुझे. So I will do something simple today. So let's make dinner together. कम्फर्ट फूड. दिस इज वेजिटेबल कर्ड राइस. बहुत ज़्यादा अच्छा फाइबर और कार्ब्स का मिक्स है ये. नाइट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लाइट है. सो दिस इज माई डिनर. सो आई एम गोइंग टू क्विकली फिनिश दिस एंड मीट फॉर द लास्ट मील ऑफ द डे.
and this is the last drink of the day. This is chamomile tea. आप ग्रीन टी या फिर हल्दी दूध भी पी सकते हो. काफी सारे ऑप्शन है नाइट ड्रिंक के लिए. कुछ तो वार्म पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो या दीज वर द मील आई हैव एवरी सिंगल डे. कुछ वेरिएशन होता है यहाँ वहाँ. सो येस, पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज यू डू नॉट नीड फैंसी इन्ग्रीडियंट टू फॉलो डाइट. आपके घर के खाने में भी आप एक डाइट फॉलो कर सकते हो. सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो. Do let me know if you want to see such videos or more recipes, more easy healthy recipes. I would love to do that for you guys. And yes, that's it for today's video guys. If you like this video, then please give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Follow me on my Instagram. Every single day I am posting new content on each platform. Right now I'm going to have my chamomile tea and main kal ka din bhi plan karungi, thodi journaling kar lungi. And I will see you in my next video. Bye.